बड़ा अजीब सा रंग आजकल राजनीति में देखने को नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से लखीमपुर खेड़ी के अंदर किस तरह से अभी वीडियो पे वीडियो सामने आ रही है। ऐसे में विपक्ष को तो बंदी बनाया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया जा रहा। कारण आप जान सकते हैं, हाल ही में 6 महीने का अंतराल रह गया है जब यूपी के चुनाव होने गए। शायद कहीं ना कहीं विपक्ष से भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डरी हुई नज़र आ रही है। यही कारण है कि विपक्ष को इधर नहीं जाने दिया जा रहा था। अब बात करें, अगर यदि कोई ऐसे मामले में कोई मुसलमान होता, कोई यादव होता, या बात करें अलग से कोई होता, तो शायद उन पर अब तक कार्रवाई हो गई होती। या फिर कह दें भाजपा की जो ट्रोल मीडिया है वो भी काफ़ी सारे तंज कसती हुई नज़र आती, लेकिन इस बारे में ना तो आपकी गोदी मीडिया कुछ बोल पा रही है और ना कि आपके जो नेता हैं भाजपा के, चाहिए सरकार को कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो मंत्री हैं जिनके बेटे का नाम आ रहा है, उनको मिश्रा के बेटे को इस्तीफा मिश्रा को दे देना चाहिए। शायद हमारे साथ तेलुराम जांगड़ा जी, विपक्ष के नेता का खांसी से, इनसे जान लेते हैं, काफ़ी तजुर्बेकार गए। तेलुराम जी, स्वागत करते हैं इंटरनेशनल पर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अनुराग जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तेलुराम जी, क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं हाल ही में, आप 2 दिन पहले भूख हड़ताल पर बैठे, प्रियंका गांधी को रात को 4 बजे बंधक बना लिया गया, उसके बाद राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, जब वो जाने वाले थे, जिस वक्त दिल्ली से वो निकले गए एरोप्लेन के अंदर, उस दौरान भी उनके जाने के लिए रोका गया, ये अटकलें लगाई गई कि वो ना जाएं। या फिर बात करें पर्सनली साधन को ना जाके कहा गया आप VIP रास्ते से जाइए, आपको हम पर्सनली गाड़ी दे देते हैं। क्या किस तरह का आजकल जो बताएं पक्ष हो गया, किस तरह की राजनीति आज के दौर में चल रही है? देखिए अनुराग जी, सरकार का बिल्कुल भी रवैया सही नहीं है। पब्लिक नहीं, बड़े नेताओं के विपक्ष के साथ लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ रात के समय में एक बेटी को हिरासत में लिया जाता है। ये कहाँ का अन्याय है? देखिए, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और बहन प्रियंका जी साथ में थे, कैसे उनको धक्का मुक्की की गई, एक महिला के साथ, एक राज्यसभा सांसद के साथ धक्का मुक्की की गई, तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे वहाँ पे। पब्लिक डरी हुई है, लोग, यूपी में गुंडा राज है, अजय मिश्रा खुद इतने क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर रहे हैं, वो गृहमंत्री बना रखे हैं, तो इससे बुरा और क्या होगा। दूसरी बात, अजय मिश्रा का लड़का अब तक सरेआम घूम रहा है खुला और विपक्ष को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये तो वही बात हो गई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद कार्रवाई करते नहीं, दूसरों पे कार्रवाई करवाते हैं, ये नहीं, सरकार के पास कोई है ही नहीं, ना तो करने को है ना कोई बात, और कहते हैं ना ये नहीं है, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी से नहीं कुचले गए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। अरे गाड़ी सरेआम दिख रही है, गाड़ी जा रही है, ऊटर बजाते हुए जा रही है, शांतिपूर्वक किसान धरने जा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई है, तो आप उसको भी नहीं देख रहे, तो इससे बड़ा क्या है। जब आप 5 मिनट में, जब मजदूर पैदल जा रहे थे उनके लिए, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, एक आपने एक सरदार जी गए जिनके ऊपर गाड़ी एकदम सामने से जाती है और गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, वो मर गए। उनका बेटा फौज में गए, जवान गए, एक किसान का बेटा जवान बना, कितनी कितनी आज उनको आहत हुई होगी, उस जवान को कितनी आहत हुई होगी इस हादसे के बाद। देखिए, किसान का बेटा, किसान के ही बेटे फौज में हैं, बॉर्डर पे किसान के ही बेटे लड़ते हैं, हमारे तेरे बेरे भर के बच्चे लड़ते हैं वहाँ पे, किसी नेता का किसी का इनका बेटा नहीं लड़ता बॉर्डर पे। दूसरी बात, आप ये देखना, वो जो किसान शांतिपूर्वक जा रहे थे पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, जब
किसान मजदूर लॉकडाउन के टाइम पे किसान सेवा कर रहा था और मजदूर पैदल जा रहा था, उनके लिए कांग्रेस पार्टी बसों का इंतजाम करती है, तो 15 मिनट में वो यूँ बता देते हैं ये थ्री व्हीलर है, ये वो है, और ये उन गाड़ियों को नहीं बता पा रहे। कमाल की बात, बड़ी हैरानगी की बात है। विपक्ष को दबाया जा रहा है धक्का मुक्की करके, कानून का डर दिखा के, धारा 144 लगा के विपक्ष को दबाया जा रहा है, और विपक्ष दबने वाला नहीं है। ये विपक्ष वो है, इनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में रहे हैं, इनके परिवार ने कुर्बानी दी हुई है देश के लिए। और दूसरी बात, दोनों ही परिवार चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, और प्रियंका गांधी भी स्वतंत्रता परिवार। आरोप लग रहा है कि जो आपका विपक्ष है वो इस वक्त भी राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति ना करे, आप जब विपक्ष में थे, जब कपड़े काट के रोड पर निकलते थे, तुम भीख मांगते थे, तुम भी तो राजनीति कर रहे थे। जब उस टाइम पे 300 रुपये का सिलेंडर और 2 हफ्ते नहर चलती थी, जब तो आप कपड़े काट के रोड पे, अब 1 हफ्ते सर नहर चलती है और 1000 का सिलेंडर है, अब कहाँ हो तुम? वो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ बेचती थी, आज कहाँ हैं? क्यों नहीं आती मैदान में? क्यों नहीं लोगों के जाते? अरे लोगों के पास तो तुम्हारे पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। विकास नाम का कोई काम नहीं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, और प्रशासन तो है ही नहीं। प्रशासन तो इतना फेलियर है, कोई अंत ही नहीं। सरकार के इशारे पे काम करता है, जब जो निर्दोष है उनको उठा के भीतर कर दो और दोषी को सरेआम घूमने दो। ये तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, और योगी सरकार ने तो इतनी हद कर रखी है कि कोई अंत ही नहीं। योगी सरकार कहता है जब उन किसानों पे चढ़ा दिया, पहले तो खुद ले के गए किसानों का, जब यहाँ चल रहा था, फिर यूपी में, बोले यूपी में आके दिखाओ ना तुम, यूपी में आके दिखाओ ना तुम, इनकी सोशल मीडिया लगी रही, अब यूपी में चले गए तो अब ये हल कर दिया इन लोगों। अजय मिश्रा ने इस कांड से पहले जैसा कि बयान दिया अपनी जनसभा के अंदर कि उसका बैकग्राउंड आप लोग नहीं जानते, किस तरह का बैकग्राउंड होगा, क्या मान के चल रहे हैं? देखिए हिस्ट्री शीटर है वो, उसका बैकग्राउंड उसके स्पीच से है, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा, तो ये तो सरेआम धमकी है, उस पर तो मुकदमा बनता है। इन लोगों पे मुकदमा बनाना चाहिए देशद्रोह का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पे भी और अजय मिश्रा पे भी। इसने तो कहा डंडे ठा लो, सामने आ जाओ, जेल चले जाओ, यहाँ से ज़्यादा शिक्षा वहाँ मिलती है, तो ये कौन सा सही ना कहीं। अब यूपी के अंदर आप देख के चल रहे हैं, अब वहाँ पे मुस्लिम को निकाल के जैसे कास्ट में शायद वोट का विभाजन करने की तैयारी में लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल 100% लगे हुए हैं, चुनाव आ गया, इनका काम है। आप देखना ये गोदी मीडिया कैसे कैसे वो दिखा रहे, परसों तो ये तो केस दिखाया नहीं किसान वाला, शाहरुख खान के बेटे को दिखा रहे थे, आपने देखा होगा, शाहरुख खान के बेटे को दिखा रहे थे। जो शाहरुख खान का बेटा कोई घना वो है, आपके घर किसानों को क्यों नहीं दिखाते? किसान रोडों पे है, किसान तड़प रहा है। दूसरी बात ये मेरे को समझ में नहीं आती, कल परसों भी कह रहा था मंडियां ख़त्म नहीं हुई, कहाँ हुई मंडियां ख़त्म? अरे कानून भी कहाँ लागू हुए, अभी कोर्ट ने स्टे कर रखा है, कानून लागू कहाँ हुए? मंडियां तो जब बंद होंगी जब कानून लगेंगे और 100% होगा। ये ऐसा बुरा हाल है, जो जहाँ जहाँ खेती इन्होंने कर रखी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहाँ वहाँ बुरा हाल है। दो दो साल से लोग नहीं कर रहे, हिमाचल में लागू कर रखा है, हिमाचल वालों से हाल पूछो, सेब का क्या कर रखा है, खराब माटी। इन लोगों ने पता नहीं है, जब ये चाहते हैं कि किसान यहाँ की यहाँ पड़ा रहे, किसान के पल्ले कुछ ना हो, कभी तो अफवाह उड़ा देते, पिज्जा खाते ही हैं, एसी में सोते हैं, क्यों? किसान इंसान नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है, किसान एसी में सो नहीं सकता, किसान पिज्जा नहीं खा सकता, तो पिज्जा तुम्हारे लिए बनाया क्या? पिज्जा सबके लिए है, गरीब से लेके अमीर तक, एसी सबके लिए बनाया है, गरीब से लेके अमीर तक कोई भी सो सकता है। लेकिन ये छोटी हरकतें करना बंद करे, ये सरकार भाई से भाई को लड़वा के अपना काम निकालना चाहती है, कुर्सी से चिपकी हुई है, इन्होंने कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। तो आप सुनिए, तेलुराम जी ने जैसा कि कहा सरकार को किसी से मतलब है नहीं, और भाई से भाई को लड़वाने की आप देख ही रहे हैं सीधा सीधा यूपी के अंदर जो हाल ही में हो रहा है, आए दिन किस सरकार से
किसानों की बात करें तो मुद्दों को दबाया जा रहा है, पानी की बौछारें कराई जा रही है, फायरिंग की जा रही है, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन बात फिर से हम आ जाएं मतलब यहीं पे लखीमपुर में, तो इस तरह से जैसा सामने वीडियो आप देख रहे हैं कि सरकार से ये एक के बाद एक गाड़ी किसानों पे चढ़ रही है, उसके बाद मामला दर्ज होता है जब विपक्ष अपनी भूमिका यहाँ पे निभाता है, उसके बाद मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष को रोकने के सिवाय जो सरकार है उसके पास अभी तक यह कि अपराधियों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। इस मामले में जितने भी एक्यूज्ड है जो मुजरिम है, जो दोषी है, उनको अभी तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आप देखते रहिए एंटी नेशनल मैन राग सिंह।